सलमान ने मनीषा को जिस तरीके से टोका जिस तरीके से कहा और वहीं जहां पूजा भट्ट ने कहा कि अब तो मनीषा से घिन आती है इन सारी चीज़ों को लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है फुकरा और एलविश की आर्मी अब आई है आगे सपोर्ट में और मनीषा का सपोर्ट किया है हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब मनीषा को डिग्रेड करना मेकर्स को भारी पड़ रहा है लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मनीषा उस समय एलविश को सिर्फ और सिर्फ चुप कराना चाहती थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका था एलविश लेकिन जिस तरीके से सलमान खान ने उसे डांटा और कहा कि बैठ जाओ इरिटेट मत करो ये वाकई में गलत था एक लिखते हैं मनीषा एज अ फ्रेंड जस्ट वॉन्टेड टू कंसोल एलविश एंड दिस इज वट शी गॉड एक ने लिखा आउटसाइडर्स को ये लोग इतना टारगेट करते हैं और बार बार एक ही फैमिली का नाम आता है वहीं एक लिखता है टू एवरी वन हु इज सेंग मनीषा रानी इज फेकिंग द फ्रेंडशिप और एवरी थिंग हैपन बिकॉज ऑफ हर तो एक क्लिप जो है मनीषा रानी की यहाँ पर शेयर की गई है जहाँ मनीषा एलविश के लिए अपना प्यार और दोस्ती बताती नजर आ रही है तो अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर अब कल आशिका के भी एलिमिनेट होने के बाद लोगों को ये लगता है कि अब ये लोग जो है जानबूझ कर उन्होंने फेम ग्रुप यानी कि फुकरा आशिका मनीषा और एलविश के ग्रुप को तोड़ने की कोशिश की है लेकिन आशिका को जिस तरीके से फटकार पड़ी है जिस तरीके से उसको नीचा दिखाया गया है ना सिर्फ पिछले वीकेंड का बार में बल्कि इस बार भी ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन एक बात तो तय है कि मनीषा को अटैक करने पर अब एलविश और फुकरा दोनों के फैंस ने आगे आए हैं और मनीषा के लिए अपना सपोर्ट जता रहे हैं